दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहां अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें कौन कौन सी होंगी। हालांकि अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो चार टीमें कौन सी होंगी। इस वक्त सबके दिमाग में यही बातें चल रही है कि सेमीफाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेगी, तो फाइनल में कौन सी दो टीमें फाइनल खेलेगी, इसके बारे में अंदाजा लगाना पाना भी आसान नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बता दिया है कि 13 नवंबर को मेलबर्न में किन दो टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। रिकी पोंटिंग ने भविष्यवाणी की है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में फाइनल मैच खेल सकती है, भले दक्षिण अफ्रीका पूर्वी मैचों में खतरनाक दिखी हो। पोंटिंग ने ICC के कॉलम में लिखी कि ईमानदारी से कहूं तो किसे पता है कि कौन सी दो टीमें मेलबर्न में फाइनल खेलने जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में फाइनल तक पहुंचने का कोई रास्ता निकाल लेगी, साथ ही दूसरी टीम भारत होगी। हालांकि साउथ अफ्रीका है एक खतरनाक टीम के रूप में सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत होगा। टीम इंडिया की बात करें तो ग्रुप में भारतीय टीम 6 अंक के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे नंबर पर 5 अंक के साथ साउथ अफ्रीका है। वहीं पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा कर 4 अंक के साथ स्कोर पॉइंट में तीसरे नंबर पर जगह बना ली है। वहीं ग्रुप ए की बात करें तो यहां मामला बेहद ही रोमांचक है, जिसमें 5 अंक के साथ न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, जबकि इतने ही अंक के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद है। दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा कि भारत के साथ फाइनल में क्या ऑस्ट्रेलिया खेल पाएगी, क्या रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी सच होगी। कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।